संजय दत्त का क्या लगा मोर आप मतलब क्या एम क्या था आपका आने का मतलब किसके लिए मेन यशको किसने लगाए थैंक यू भाई एक नंबर मूवी है सबको देखना चाहिए और रॉकी भाई का एंट्री कैसा भाई रॉकी भाई का एंट्री तो फर्स्ट क्लास ऑडियो एंट्री है और अपने संजय दत्त भाई संजू बाबा तो मस्त बहुत अच्छा काम किया है विलेन का स्पेशल डायलॉग याद है आपको मुझे पूरी दुनिया चाहिए बस बाकी कुछ नहीं भाई असम मूवी भाई सबको देखना चाहिए आपको देखे मूवी भाई एक नंबर मूवी है बार बार जाना ही पड़ेगा और आप मतलब आपको दोनों में से किसकी एक्टिंग अच्छी लगी तीनों का एक्टिंग अच्छा है संजय दत्त का यश का और रमी का सीन का भी मस्त कुछ आपको डायलॉग याद है उसमें का वो वायलेंस वाला ही मतलब आपको अभी अच्छी लगी आपको लगता है फिर से आना चाहिए मूवी देखने फिर से क्या पांच बार बोल रहा हूँ मैं पांच बार आना चाहिए इतना मस्त पिक्चर आपको बोल सकते हैं मुझे तो अच्छा आ रही भाई कैसी मूवी लगी बोल मूवी चैप्टर 3 आने वाला है और अपने संजू बाबा की एंट्री संजू बाबा की एंट्री और मतलब कुछ डायलॉग याद है आपको मूवी का डायलॉग वो बताएंगे कैसा लगा मूवी आपको बहुत अच्छा एक नंबर आपको कैसा लगा एक नंबर लगा बहुत अच्छा रॉकी भाई दिख रहे बहुत अच्छा मूवी है सबने देखना चाहिए बहुत ही आपको क्या लग रहा है आप सेकेंड टाइम फिर से आ सकते हैं सेकेंड में मैं दो तीन चार बार कितने बार भी देख सकता हूँ ओके थैंक यू सो मच भाई भाई एक नंबर ही है अभी दस बार देखेंगे तो भी सही लग रहा है तेरे को अच्छा एकदम बहुत रहा इमोशन बहुत ज्यादा है इसका एंट्री अच्छा लगा और कोई डायलॉग आपको याद है जो साइलेंस और लाइक लगा आपको मूवी एक नंबर लगा था और रॉकी भाई कैसा लगा रॉकी भाई एकदम बेस्ट लगे और अपने संजय दत्त का एकदम लुक ही हार्ड था एकदम और अच्छा मतलब आपको क्या लगा एक्टिंग उसमें एक्टिंग रवीना टंडन का एकदम बेस्ट था अच्छा अच्छा और डायलॉग कुछ पता है आपको डायलॉग तो नहीं पता कौन सा एक नंबर पिक्चर कैसा लगा भाई एक नंबर मूवी हाँ दो मिनट भाई कैसी लगी मूवी आपको कैसी लगी मूवी एक नंबर हाँ कैसी लगी मूवी एक नंबर कैसी लगी मूवी अच्छी लगी काफी अच्छा अरे वाह कैसी लगी मूवी मस्त है पिक्चर मतलब आना चाहिए कि नहीं फिर से और एक बार आऊंगा मैं सेकंड टाइम देखेगा भाई कैसी लगी मूवी एक्सक्यूज मी कैसी लगी मूवी एक नंबर चैप्टर 2 आप आने जा रहे थर्ड के लिए हाँ तो इसके लिए तो मेरे को पहले से पता था मेन सीन होगा कैसी लगी मूवी आपको औसम था एकदम और रॉकी भाई की एंट्री कैसी थी रॉकी भाई की एंट्री एकदम औसम कड़क थी एंट्री और संजय दत्त की एंट्री संजय दत्त तो अपना और संजू बाबा उसके लिए मैं आया था और मैं क्या बोल रहा मतलब क्या एक डायलॉग आपको याद है मूवी के अंदर डायलॉग मतलब वही मतलब जितने भी थे सब औसम ही थे ओके ओके और चैप्टर 3 आपको क्या लगता है चैप्टर 3 तो और फाड़ देगा पूरा थिएटर फाड़ देगा मूवी तो एक नंबर थी और आप मतलब वेटिंग किए थे तो आपको लगा कि 100% आपको दिया आपने मतलब मूवी में लोगों आपको दोनों में से क्यों अच्छा लगा संजय दत्त या रॉकी भाई वैसे दोनों का सही था अच्छा और संजय का एक नंबर था ओके ओके आपके फेवरेट है संजय दत्त वैसे रॉकी भाई फेवरेट है और संजय दत्त का एक नंबर और चैप्टर 3 आने वाला है इसका आने वाला है देखने जरूर जाएंगे आपको ऐसा लग रहा है कि आप सेकंड टाइम भी देख सकते हैं देख सकते हैं क्यों नहीं अभी तो मैं फिर भी मजा आ रहा था फिर भी देखने आ गया ओके थैंक यू सो मच थैंक यू कैसी लगी मूवी आपको अच्छी है अच्छी है अभी क्या और रॉकी भाई का मतलब एंट्री कैसा लगा आपको एंट्री ठीक ही था अभी के समय अच्छे से और कुछ इमोशन है मूवी में इमोशंस खाली वही लव फीलिंग्स है मैं सुना कुछ इसमें सैड है लास्ट में सैड पार्ट ऐसा नहीं है ओके थैंक यू मूवी
मूवी इतनी अच्छी थी कि ये वर्ड्स में हम बता नहीं सकते। फीलिंग ही नहीं हो रही है हमारी मूवी के लिए। लास्ट में जो ट्विस्ट आएगा ना, जो मतलब पोस्ट क्रेडिट वाला, पोस्ट क्रेडिट जो सीन देखोगे ना, मतलब मार्वल जैसे, मार्वल जैसा पोस्ट क्रेडिट देखेगा ना आप, बोलोगे यार ये क्या बवाल मचा दिया। बॉलीवुड पे पूरा ये कर दिया है, डोमिनेंट हो गया है, पूरा इंडियन सिनेमा। वो रॉकी कैसा बोलते हैं कि इंडियन सिनेमा, टॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड नहीं, कुछ नहीं। ट्रिपल आर से भी बेस्ट है मूवी, ट्रिपल आर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और बाहुबली, बाहुबली का तो नहीं बोल सकते कुछ, क्योंकि ट्रिपल आर का तोड़ सकता है। पूरा डोमिनेंट मूवी, सभी ने एक बार तो देखनी चाहिए, खास करके फैमिली फैमिली। थैंक यू सो मच, संजय दत्त कैसे लगे आपको? और कुछ मतलब इसमें मेन जो एक्टिंग, मतलब जो उसके गाना नहीं था, कुछ डायलॉग मतलब फर्स्ट पार्ट से थोड़ा सा डाउन है। अच्छा, डायलॉग कैसा लगा आपको? डायलॉग तो एक से कुछ तो एक डायलॉग है ना, डायलॉग एक डायलॉग बोल सकते हो। क्या है रेस का डायलॉग? वायलेंस वायलेंस वायलेंस, हां वो डायलॉग अच्छा लगा। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे। और संजय डायलॉग का, संजय का एक्टिंग कौन सा डायलॉग था? ओ तरक्की होती है ना उस जंग में। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपको क्या लग रहा है ये बाहुबली को टक्कर दे सकती है? नहीं नहीं नहीं, ट्रिपल आर, ट्रिपल आर को थोड़ा ट्रिपल आर को दे सकते हो। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच अंकल, ऐसा ही सर, थैंक यू।